इनर व्हील क्लब की आज साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव करते हुए आगामी कार्य को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इस दौरान कार्यकारिणी ने अनमोल केवल रमानी को अध्यक्ष चुना और उनके नेतृत्व में कार्यकारिणी का गठन किया। इस मौके पर वैशाली नगर स्थित होटल में इनर व्हील क्लब की ओर से आयोजित सेवा कार्य के दौरान 12 वर्षीय बच्ची के लिए साइकिल का वितरण किया गया, जिससे कि उसे परेशानी ना हो। इसके साथ ही नंदराम की बच्ची की पढ़ाई के लिए 20,000 का चेक वितरित किया गया। वहीं क्लब ने बाल प्रकाश आश्रम स्कूल को 1.5 लाख का अनुदान दिया, जिससे कि वह स्कूल स्टाफ को सैलरी व अन्य सुविधाओं में काम ले सके। पदाधिकारियों का कहना है कि इनर व्हील क्लब 50 वर्ष से सेवा कार्य में लगा हुआ है और आगे भी निरंतर इसी तरह काम करता रहेगा। आज हमारी इनर व्हील क्लब जो है उसका इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई है, जिसमें नए पद पे सभी को 2019 और 20 पे नए पद पे स्थापित किया गया है। इसमें हम लोगों ने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो आज के लिए है। जैसे हम लोगों ने एक 12 साल की लड़की को साइकिल दी है, जिससे वह स्कूल जा सके और अपना टाइम बचा सके। प्लस एक नंदराम की बेटी को हमने पढ़ाई के लिए 20,000 का चेक दिया है, जिससे वह आगे पढ़ सके, और हम हर साल उसे इसी तरीके से मदद करते आ रहे हैं। बाल प्रकाश आश्रम स्कूल में हमने 1.5 लाख रुपए का चेक दिया है, जिसमें 2 क्लासरूम्स कंस्ट्रक्ट होंगे और स्टाफ की फीस दी जाएगी। यह भी हमारा क्लब हर साल करता है और इसी तरीके से हम आगे भी अपने नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते रहेंगे। प्लस पुराने प्रोजेक्ट्स जो अभी तक हम इतने सालों से 50 सालों से करते आ रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारी अध्यक्ष हैं मिसेस अनमोल केवल रमानी, हमारी सचिव हैं मिसेस रेणु बंसल, हमारी ट्रेजरर हैं मिसेस विनीता जैन, हमारी डिस्ट्रिक्ट ISO हैं रीना अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन है मिसेस कैलियोपी जैन, हमारी ISO है मिसेस ज्योतिका गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी है मिसेस नीलिमा रेलन, वाइस प्रेसिडेंट है मिसेस ऋतु अग्रवाल। ये पूरा 1 साल अपने पद को संभालेंगे और आगे भी क्लब्स में कार्य करते रहेंगे।